जैसे भैंस से पकड़ते थे इसे, तो इसके पीछे एक वो पानी वेस्ट हो रहा है उसका जो है, कहीं ना कहीं उसका प्रयोग मतलब अच्छे कामों में हो रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा गांव हो यहाँ पे रहते पीछे, और गांव से ऊपर का ही नजारा सामने का। देखो गाइस ये भैया झाड़ू मारते हैं। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से ही पहाड़ी राय दुर्गेश में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं, 6 बज गए हैं, और चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का जो ब्लॉग होगा दोस्तों, आज जो भी मैं काम करूंगा पूरे दिन भर, तो उसको मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज मैंने क्या किया पूरे दिन भर। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और दिखाता हूँ आज के मैंने क्या क्या पूरे दिन भर किया। तो बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ी राय दुर्गेश को। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ वीडियो के आगे, तब तक जय देवभूमि उत्तराखंड। तो देखिए सभी गांव के बच्चे जो है अभी खेलने के लिए आ चुके हैं खेतों में, तो जिसमें कि सभी बच्चे यहां पे आ चुके हैं। देखिए तो आज के ब्लॉग में लास्ट में मैं आपको एक चीज बताऊंगा दोस्तों, आज हमारे गांव में किसी का बर्थडे है, तो वो बड़े आपको मैं सीधे लास्ट में दिखाऊंगा दोस्तों किसका बर्थडे है। दोस्तों मिलता हूँ आपको सीधे ब्लॉग के आगे, तब तक बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ी राय दुर्गेश को। मैं जा रहा था जंगल की ओर, अभी टाइम हो गया 12 बज गए हैं, और मुझे अभी भैंस को लेने भी जाना था जंगल। तो मैं अभी सामने आपको कुछ दिखा रहा था दोस्तों, यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पानी, हमारी जो टैंक बन रखी है आजकल नई टैंक, उससे ये निकल रहा है ये पानी, पूरा वेस्ट पानी, मतलब जो ओवरफ्लो हो रहा है पानी का ना। तो इस ओवरफ्लो का हमने क्या किया, गांव वालों ने यहाँ पे छोटी सी हौज का निर्माण कर दिया, यहाँ पे एक चाल का निर्माण किया है, तो ये पानी अब वेस्ट नहीं जाएगा। मतलब इसका प्रयोग किस में होगा, भैंस को पानी पिलाने में या उनको नहलाने में, ठीक है। तो अब इतनी तेज धूप में जैसे जंगल से भैंस आ गई तो फिर पानी भी पियेंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा वो नहा भी लेंगे भैंस, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी पहल थी ये, वेस्ट पानी को एक सर हो रहा है उसका जो है, कहीं ना कहीं उसका प्रयोग मतलब अच्छे कामों में हो रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। और एक चीज और है दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये नहर, तो ये नहर हमारे गाँव के ऊपर में है। प्रयोग किसमें है कि जितने भी जंगलों से जितना भी पानी आता है, रास्तों से जितना भी पानी आता है, तो वो हमारे गांव में नहीं बल्कि इस नहर से होकर के गांव के किनारे किनारे जो है दूसरी जगह चले जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारे गांव हमारे घर काफ़ी सुरक्षित हो जाएंगे उस चीज़ से, ये पानी हमारे गांव में नहीं बल्कि गांव के साइड साइड से निकल जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि ये नहर काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। यहाँ पे आके इतना सुकून मिलता है, ठंडी हवा चलती है यहाँ पे, और बहुत ही आनंददायक यहाँ पे बैठ के आगे का नज़ारा, और वहाँ से आती हुई हवा रो भी ठंडी ठंडी, और पेड़ की छाव, मतलब यहाँ पे मज़ा आ जाता है बैठ करके, काफ़ी सुकून भरी ज़िंदगी होती है यहाँ पे। तो ये हमारे गांव के ऊपर का नज़ारा है, मेरा गांव हो यहाँ पे रहते पीछे, और गाँव से ऊपर का ही नज़ारा सामने का, ठीक है। तो चलिए, तो अभी मैं पहुंच गया हूं गांव के ऊपर, जो हमारी टैंक है जहां पे हमारी मतलब जब भैंस चर के आती है तो वहां पे मतलब ये पानी पीने जाती है और नहाने भी जाती है वहां पे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारे गांव की टैंक जहां पे हमने परसों सफाई की थी, ठीक है। पूरा मलबा अभी भी यहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था परसों, ये पूरा पानी खाली कर दिया था, और सामने ये भी हमने पूरा खाली किया था, काफ़ी मिट्टी मिट्टी थी ऊपर से, पूरा नीचे आ रखा था मिट्टी, और हमने क्या किया उस मिट्टी को साफ कर दिया।
और अब देखिए दोस्तों, ये जो है भैंस को बहुत ज्यादा खाता है। अब मैं इसको पकड़ूंगा। देखिए बचपन में हम क्या करते थे, हमने बचपन में जैसे भैंस पकड़ते थे इसे, तो इसके पीछे एक जैसे चीड़ का पत्ती रहता है जिसे हम टुलटा कहते हैं, तो उसको डालते थे और फिर इसको उड़ा देते थे। तो इसको हमारे यहाँ गढ़वाली में डां कहते हैं, मतलब जो भैंस के खून चूसता है ये बहुत ही ज्यादा। और तो ये चली गई हमारी भैंस चाल में, अभी वो पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये चली गई चाल में। यहाँ पे हमारी मधुमक्खी लगी रहती है जो शहद देती है मधुमक्खी, तो उसका छत्ता जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये खिड़की हमारी, इसके अंदर जो है उनका काफ़ी बड़ा छत्ता लग रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लग रखा है, पहले जो है यहाँ पे लगते थे, अब जो है ऊपर लग गए हैं इसके बाद। ठीक है, और आज तमन्ना का बर्थडे है तो केक भी आ चुका है यहाँ पे तमन्ना का। कल किसका बर्थडे है आज? किसका? कौन है वो? कौन है वो? बर्थडे किसका है आज? मेरा। किसका? और केक की रखवाली करते हुए तीन चार गाड़ियों पे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tamanna. Happy birthday. Hey, pa. Hey, daddy. Dada, dada. Happy birthday. Uchi mein to khalo bhi dekho. Khalo, khalo. Happy birthday. सिवाय का कट गया, अब उसको मत देना कोई लगाए। क्यों तो नहीं, तेरे हिस्से का था वो। और तमन्ना और इसका बर्थडे गिफ्ट मीठा एक डबल लिया खेले। आज खोली होनी चाहिए, बड़े बड़े पत्थर से। धन्यवाद। इसका गिफ्ट